इन्होंने लोगों की दुख और दर्द से आजादी करने के लिए मोक्ष और निर्वाण ठुकरा दिया था। और एक मैं हूं, और एक मैं हूं जो जानवरों की तरह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं, इधर से उधर, उधर से इधर। आखिर कब तक ये जलील और बेमतलब की जिंदगी के बोझ को मैं अपने कंधे पर लेकर घूमता रहूंगा? आखिर कब तक? और क्या करूंगा ऐसे जिंदगी का जो सिर्फ अपने मालिक के तलवे चाटने और उसके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाने के काम आए? आखिर कब तक? पता है, जब मारिया के पिता ने मेरे सामने बंदूक तान दी थी तो मैं सामने से हट गया था। अपनी जान बचाने के लिए मैं सामने से हट गया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो गोली मारिया को लग सकती है। मैं बच गया, पर मारिया नहीं बची। और मैं कायरों की तरह देखता रहा, और आज भी वही कर रहा हूं। मुख बना हुआ हूं कायर। कब तक? दूसरा कोई कॉमेडी? हाँ कॉमेडी कौन से एक्सेंट में? कोई भी ओके। थोड़ा टाइट कॉमेडी चलेगा? ओके। भैया हमको वो दाव पेच मालूम है कि बड़े से बड़ा पहलवान भी हमारे सामने पानी भरे। बट क्या नायब, क्या तहसीलदार और क्या वकील, सब हमारे इशारों पर नाचे। एक बार एक जज के मुंशी ने नखरा दिखाया था, दीवानी का मामला था, उसकी मिसल दरकार थी, कहीं ने लगा मिसल नहीं मिलेगी। भैया हमने भतेरा समझाया, नजर नजर आने की बात भी की, मगर वो हमारा ऐसे ऐंठ रहा था जैसे उड़द की दाल। ससुरे को हमने वो धोबी फटका मारा कि चारों खाने चित। भैया हमको मिसल भी मिल गई और उस ससुरे का तबादला भी हो गया। भाई एक जमाना था, हमारे बाप दादा मैदान जंग के सूरमा थे, सूरमा। मगर आजकल तो कोई भी ऐरा गहरा न तो तेरा लेवे पकड़ के खड़ा हो जा बंदूक। हाय गाइस, ऐसे ही और नए कलाकारों या टैलेंट्स को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन और लाइक बटन को भी क्लिक करें।